देखकर आपको पता तो चल ही गया होगा कि आज मैं क्या बनाने वाली हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ स्पेशल तरीके से बनने वाले पिंडी चना। एकदम अलग तरीके से बनने वाले बहुत ही टेस्टी और इजी पिंडी चना की रेसिपी को आप एंड तक जरूर देखिए। मैं इंद्रजीत कौर वेज जायका में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए बढ़िया से पिंडी चना बनाना शुरू करते हैं। पिंडी चना बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 1 कप व्हाइट चने, जो वजन में 250 ग्राम है। चनों को मैंने 4-5 बार पानी से अच्छी तरह से धोकर 5 घंटे के लिए भिगोकर रख लिया था। देखिए चने पानी एब्जॉर्ब करके काफ़ी फूल गए हैं। अब हमें इन्हें पकाना है, लेकिन पहले चनों को कलर और फ्लेवर देने के लिए एक स्पेशल पोटली तैयार कर लेते हैं। एक कॉटन के या मलमल के कपड़े में 2-3 टेबलस्पून चाय की पत्ती लेनी है। अगर चने का कलर बहुत ज़्यादा डार्क करना चाहते हैं तो चाय की पत्ती की क्वांटिटी को बढ़ा लीजिए। और साथ में ही ऐड करना है 3-4 लौंग, 1 दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची और ये 6-7 ड्राई आंवला के छोटे छोटे पीसेस हैं। अगर आंवला के पीसेस बड़े हों तो 3-4 ले लीजिए। 7-8 साबुत काली मिर्ची और इनके साथ ही एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा और साथ में ही 2 कली लहसुन की भी ऐड कर देंगे। अब इसे सब तरफ से बंद करके एक पोटली सी बना लेनी है, देखिए इस तरह की। अब चनों को पकाने के लिए कुकर में डाल देते हैं। मैंने चनों को बहुत ही अच्छी तरह से धोया है, इसलिए पानी भी साथ में ही ऐड कर रही हूँ। ये करीब 1 कप पानी है, तो इसके अलावा और पानी चनों में नहीं डालना है। और अब इसमें हमें ये जादू की पोटली भी रख देनी है। इससे क्या जादू होगा ये तो कुकर खुलने के बाद ही देख पाएंगे हम। साथ में ही मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक भी ऐड कर दिया है। अगर हमें ब्रेकफास्ट में चने बनाने हैं तो हम इन्हें ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं। मैं पिंडी चना लंच में बना रही हूँ, इसलिए मैंने इन्हें मॉर्निंग में ही भिगोया है। और ढक्कन लगाने के बाद इसे गैस पर चढ़ा देंगे और फुल फ्लेम पर 7-8 विसल आने तक इन्हें पकाएंगे। अब करीब 15-20 मिनट बाद कुकर में 8 विसल आ चुकी हैं, तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और कुकर को स्टीम खत्म होने तक ऐसे ही रखा रहने देंगे। और तब तक हम चनों में बढ़िया सा फ्लेवर देने के लिए एक मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून रोस्ट किया हुआ साबुत अनारदाना, 1 टेबलस्पून रोस्ट किया हुआ साबुत जीरा और 1 टेबलस्पून ही रोस्ट किया हुआ साबुत धनिया। इन सबको मैंने हल्का हल्का रोस्ट किया है, बस इतना रोस्ट किया है कि इनका मॉइस्चर खत्म हो जाए हल्का सा और हल्का सा कलर भी चेंज हो जाए बस, ताकि ये आसानी से ग्राइंड हो जाएं। देखिए ग्राइंड करने के बाद ये इस तरह का हल्का सा दरदरा पाउडर बन गया है। ये तो हो गया हमारा होममेड मसाला। और अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून भरकर रेडीमेड चना मसाला भी ऐड कर रही हूँ। किसी भी ब्रांड का चना मसाला हम यहाँ पर ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुकर की स्टीम भी निकल चुकी है, तो अब हम चने भी चेक कर लेते हैं और पोटली का जादू भी देख लेते हैं। वाह क्या जादू किया है इस पोटली ने, लाइट कलर के चने हमने कुकर में डाले थे ये तो डार्क होकर निकले, है ना भाई कमाल का जादू। चलो अब इस पोटली को बाहर निकाल देते हैं, इसका काम तो पूरा हो गया है। और अब इन्हें एक छलनी में ट्रांसफर कर लेते हैं ताकि पानी और चने अलग अलग हो जाएं। इस छने हुए पानी को हम फेंकेंगे नहीं, इनका यूज हमें तड़का लगाने के बाद चनों में करना है। जितनी जरूरत हो उतना पानी ऐड कर लेंगे। और अब यहाँ पर देखिए चने भी सॉफ्ट हो चुके हैं। इन चनों को मैंने छलनी में से एक कढ़ाई में ट्रांसफर कर लिया है। और अब जो मसाला हमने भी बनाया है ना, उसे चनों के ऊपर डाल देना है। यहाँ पर मैंने सारा मसाला यूज कर लिया है और साथ में ही 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर देनी है और 1 टीस्पून काला नमक भी। पहले मैंने चनों को उबालते हुए 1 टीस्पून व्हाइट नमक ऐड किया है और अब यहाँ पर 1 टीस्पून काला नमक ऐड कर रही हूँ। मैं मसालेदार पिंडी चना बना रही हूँ, इसलिए मसाले तो अच्छी क्वांटिटी में जाएंगे ही। आप नमक और मसाले अपने टेस्ट के मुताबिक यूज कर लीजिए। यहाँ पर मैंने चनों को और सारे मसालों को एक साथ मिक्स कर लिया है और अब हम इन चनों को एक बढ़िया सा स्पेशल तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए एक कढ़ाई में 4-5 टेबलस्पून ऑयल गर्म होने के लिए डाल देना है। और जब ऑयल अच्छा गर्म हो जाएगा तब इसमें 2-3 तेज पत्ते भी ऐड कर लेंगे। चाहे तो इन्हें साबुत ही डाल दीजिए या फिर तोड़कर। और अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ छोटे साइज के ये 3 उबले हुए आलू। आलूओं को मैंने उबालने के बाद इस तरह से 2 टुकड़ों में कट कर लिया है, यानी कि एक आलू को आधा आधा कट कर लिया है। 1 आलू के 2 पीसेस कर लिए हैं और अब इन उबले हुए आलूओं को गर्म ऑयल में डालकर अच्छे क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। और अगर आलू साइज में बड़े हों तो 4 पीसेस भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आलूओं को 80% तक पकाया है बस, बाकी के फ्राई करते हुए पक जाएंगे। इन्हें पूरा नहीं पकाया है मैंने, वरना ये ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और ज़्यादा सॉफ्ट आलू फ्राई अच्छे से नहीं होंगे, फ्राई करते हुए टूट जाएंगे।
इनकी साइड चेंज करते हुए इन्हें सारी तरफ से अच्छा गोल्डन ब्राउन कर लेना है। अब यहाँ पर हम आलूओं को बॉईल किए बिना भी सीधा काट कर भी यूज कर सकते हैं, पर कच्चे आलूओं को पकने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। अब आप देख सकते हैं सारे आलूओं की बार बार साइड चेंज करते हुए मैंने इन्हें सारी तरफ से अच्छे गोल्डन ब्राउन और बढ़िया से क्रिस्पी कर लिए हैं। और अब इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे ये खूब सारे अदरक के लच्छे और साथ में ही 6-7 तिरछी कटी हुई हरी मिर्ची। आलूओं को एक साइड पर करके दूसरी साइड पर कढ़ाई में ये अदरक का लच्छा और हरी मिर्ची डाल दी है मैंने, और अब इन्हें ऑयल में बस कुछ ही सेकंड्स के लिए भूनना है, ज़्यादा बिल्कुल नहीं पकाना है। और अब इसमें कुछ प्याज और टमाटर भी ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 बड़े साइज के टमाटर लेके इन्हें बड़ा बड़ा कट कर लिया है और 2 ही प्याज लेकर इनके भी रिंग्स बना लिए हैं। और अब इन्हें भी अदरक हरी मिर्ची के साथ ही ऐड कर देना है और केवल 1 मिनट तक ही प्याज टमाटर को भूनना है बस। इन्हें मैश नहीं करना है, एकदम सॉफ्ट नहीं होने देना है, प्याज और टमाटर को खड़ा खड़ा ही रखना है। और अब देखिए प्याज और टमाटर को पकते हुए 1 मिनट हो चुका है, तो बस हमें इतना ही इन्हें पकाना है। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे यानी कि इस तड़के को मसाले मिक्स किए हुए चनों में ऐड कर देंगे और साथ में ही अब रोस्ट की हुई थोड़ी सी कसूरी मेथी भी ऐड कर देंगे। और अब गैस की फ्लेम को फिर से ऑन कर देना है हमें और इन सारे इंग्रेडिएंट्स को आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 कप चनों का पानी, जो हमने चनों को छान कर अलग किया था ना वही वाला। और अब पानी को भी चनों में मिक्स करके 1 मिनट तक ढककर पकाना है, जिससे सारे मसाले, तड़का और चने आपस में रस मिस जाएंगे। और करीब 1 मिनट बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पिंडी चना जो हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं। पिंडी चना बहुत ही बढ़िया बने हैं। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और कटा हुआ फ्रेश धनिया भी ऐड कर देंगे। मैं तो इन्हें आज पूरियों के साथ खाने वाली हूँ, आप इन्हें भटूरा या नान के साथ भी खाइए, बहुत ही स्वाद लगते हैं। तो ये लीजिए एकदम चटपटे मसालेदार पिंडी चना बनकर तैयार हैं। ब्रेकफास्ट में या लंच में पूरी, पराठा, भटूरा या नान के साथ खाइए, बहुत ही स्वाद लगते हैं। और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।